हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है टिल, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र? बिल्कुल नहीं। इसकी खोखली समृद्धि इसके इतिहास में छिपी है, जहां सारी न्याय व्यवस्था घुटनों के बल आखिरी सांसें लेते हुए नजर आती है। अगस्त 28, 1955 को अमेरिका के मिसिसिपी में एक ऐसी घटना घटी जिसने अमेरिका के साथ साथ सारी दुनिया को दंग कर दिया। एक 14 साल के लड़के को किडनैप कर उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमेट लुइस टिल की। एमेट को टॉर्चर करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उसे गोलियाँ मारी गई। उस बच्चे का कसूर इतना था कि वो एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन था। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में रेसिज्म कितना ज़्यादा है। मरने के बाद उसकी लाश को तल्लाहाची रिवर में फेंक दिया गया। 3 दिनों बाद उसकी लाश नदी से बरामद हुई। ये कहानी एक माँ के दर्द को दिखाती है, जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस घटना ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी और अमेरिका में हो रहे काले लोगों के खिलाफ रेसिज्म में भी अपनी आवाज़ उठाई। 1955 में एमेट टिल का चेहरा सिविल राइट्स मूवमेंट का भी हिस्सा बना और ये पूरी फिल्म एक माँ के नज़रिए से दिखाई गई है। एमेट टिल की माँ मैमी टिल एक माँ का दर्द इतना कम नहीं था कि 2 घंटे की फिल्म में समा सके। फिर भी निर्देशकों ने अपनी पूरी कोशिश की है इस कहानी को इंसाफ दिलाने में। तो चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1955, अमेरिका का एक शहर शिकागो। हम एक माँ बेटे को कार में देखते हैं, मैमी टिल और उसका बेटा एमेट टिल। एमेट के पिता 1945 में ही गुजर गए, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप के किसी देश में जंग लड़ रहे थे। तब एमेट सिर्फ 4 साल का था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मैमी ने ही उठा रखी है। मैमी एयरफोर्स में एक टाइपराइटर का काम करती है। वहां सिर्फ मैमी ही अकेली एक ब्लैक महिला थी और बाकी सारे वाइट लोग। मैमी की माँ अलमा वहीं पड़ोस में रहती है, जो कभी कभी उससे मिलने आ जाया करती। हालांकि उसके माता पिता काफ़ी वक्त पहले ही अलग हो चुके हैं। मैमी अपने बेटे को प्यार से बो बुलाती है। मैमी रिलेशन में भी है, वो शहर के ही एक शख्स से प्यार करती है। उसका नाम जीन है, जो शहर में ही एक बार्बर है। इस रिश्ते की खबर मैमी की माँ और बेटे दोनों को थी और दोनों इस रिश्ते से खुश भी हैं और जल्द ही दोनों शादी करेंगे। पर एमेट की जिद है कि वो कुछ दिन अंकल के फार्म पर गुजारना चाहता है, जो कि मिसिसिपी में रहते हैं। पर इस बात से मैमी काफ़ी चिंता में है, क्योंकि मिसिसिपी बिल्कुल अलग था। वहाँ आए दिन काले लोगों को मार दिया जाता था। वहाँ वाइट अमेरिकन्स का खौफ कुछ इस कदर था कि अगर कोई काला शख्स उनसे आँख मिला ले तो वो उसकी हत्या कर देते थे। काले रंग को लेकर उनके मन में नफरत कुछ इस कदर थी जिसका आप और मैं भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर मैमी की माँ उसे एमेट को जाने देने के लिए राजी कर लेती है। पर एक माँ का दिल, डर तो बना ही रहता है। दूसरे दिन एमेट जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो बचपन से यही शिकागो में रहा है, तो उसे रेसिज्म के बारे में इतना कुछ नहीं पता, क्योंकि शहरों में लोग अपने काम से काम मतलब रखते थे। जाने से पहले उसकी माँ उसे काफ़ी समझाती है कि मिसिसिपी में किसी से कोई फाइट नहीं और किसी भी वाइट से नज़र मिलाकर मत देखना। अगर कोई वाइट कुछ पूछे तो उसका यस सर और नो सर में जवाब देना। पर एमेट इन सारी चीज़ों को सीरियस नहीं लेता। हम देखते हैं मैमी अपने बेटे को छोड़ने रेलवे स्टेशन आई है। उसके अंकल मोजेस और उनका बेटा किसी काम से शिकागो आए थे, तो एमेट उनके साथ ही मिसिसिपी जा रहा है। मैमी उन्हें एमेट का ख्याल रखने को कहती है। उसके अंकल के लिए एमेट भी उनके बेटे जैसा ही था। आखिरी बार मैमी एमेट के गले लगती है और ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन जाने के बाद भी वो वही रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। उसकी आंखें नम थी, एक डर सा मन में बना हुआ था। दूसरे दिन हम देखते हैं एमेट अपने अंकल के खेतों में काम कर रहा है। वो बहुत बातें किया करता था, वो अक्सर हंसता रहता। ये देख उसके अंकल के बेटे काफ़ी डरे रहते कि एमेट यहाँ कोई मुसीबत न खड़ी कर दे, क्योंकि मनी मिसिसिपी का एक ग्रामीण क्षेत्र था और ये बिल्कुल शिकागो जैसा नहीं और ना ही यहाँ के लोग। उसके अंकल अपने दोनों बेटे और एमेट को लेकर मार्केट आते हैं। वहाँ एमेट भीतर एक स्टोर में जाता है और काउंटर से कैंडीज लेकर उस महिला के हाथ में पैसे थमाता है। उस महिला का नाम कैरोलिन ब्रायंट था। एमेट बताता है, तुम किसी मूवी स्टार की तरह दिखती हो। ये सुन वो महिला काफ़ी गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ उसके अंकल का बेटा आकर एमेट को वहाँ से ले जाने लगता है और कैरोलिन भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। एमेट कैरोलिन को देख सीटी बजाता है। ये देख सभी एमेट की तरफ देखने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे सबकी नज़र उसकी तरफ गड़ गई। कैरोलिन अपने गन लेने जाती है,
तभी उसके अंकल सभी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहां हम देखते हैं मैमी का दिल नहीं लग रहा, क्योंकि एमेट पहली बार उससे दूर गया था। उसे एमेट की याद आ रही थी। वो जीन के शॉप पर आती है, जीन जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो बताती है कि उसे एमेट की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो मिसिसिपी जाना चाहती है। जीन उससे प्रॉमिस करता है वो दूसरे दिन जरूर जाएंगे। रात उसके अंकल का बेटा एमेट को काफ़ी समझाता है कि आज वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, पर एमेट उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात हम देखते हैं उसके अंकल आंटी काफ़ी चिंता में बैठे थे। शायद उनके चिंता की वजह वही थी जो आज मार्केट में हुआ, पर उन्हें यकीन था शायद सब ठीक हो जाए। रात जब सब सो रहे होते हैं तभी दरवाजे पर कुछ लोगों के ठोकने की आवाज़ आती है। बाहर कैरोलिन का हस्बैंड रॉय ब्रायंट था। वो कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए जो आज सुबह शॉप पर आया था। रॉय के साथ और लोग भी थे, रॉय का दोस्त JW मिलाम। उसके अंकल के दरवाज़ा न खोलने पर वो दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस आते हैं। इससे पहले कि एमेट कुछ सोच पाता वो उसे देख लेते हैं। उसके अंकल गुजारिश करते हैं कि वो अभी नया है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, पर वो एमेट को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उसकी आंट उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो उन पे गन पॉइंट कर देता है। अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। गाड़ी में कैरोलिन भी थी। वो एमेट की पहचान करवाते हैं। कैरोलिन हाँ कहती है कि ये वही लड़का है। उसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एमेट खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी उसे सजा दी जा रही है। उसके अंकल उसे चाह के भी नहीं रोक पाते, वो बस अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मैमी को क्या जवाब देंगे जो एमेट को यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर ले आए थे। रात हम एक फार्म का दृश्य देखते हैं। वहाँ एमेट की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। उसे काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। सुबह हम उसी फार्म पर एक ब्लैक लड़के को देखते हैं जो उसी फार्म पर काम करता है। उसका नाम मॉरिस है। ये फार्म रॉय ब्रांड के दोस्त JW मिलाम का है, जो रात एमेट को फार्म पर उठा ले आए थे। वो देखता है वो एमेट की लाश उठाकर गाड़ी में रख रहे हैं। बुरी तरह से टॉर्चर करने पर एमेट ने रात में ही दम तोड़ दिया था। मॉरिस ये देख डर के घर के भीतर चला गया। सुबह उसके अंकल मैमी को कॉल कर एमेट की खबर देते हैं। ये जान मैमी जीन के पास जाती हैं और बताती है कि एमेट को कल रात कुछ लोग उठा ले गए और उसे मिसिसिपी जाना होगा। जीन उसे संयम से काम लेने को कहता है। वो कहता है कि वो एमेट के अंकल और आंट लिजी से और खबर आने तक का इंतज़ार करें। घर में मैमी अपने माँ अलमा के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ मैमी के पिता भी आ जाते हैं। वो मैमी को यकीन दिलाते हैं सब ठीक हो जाएगा। वो अपने साथ एक शख्स को ले आए थे, उसका नाम रेफिल्ड मूटी है, जो कि पावरफुल ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, जो कि मैमी के ही बचपन का कज़िन है। रेफिल्ड बताता है वो विलियम हफ के लिए काम करता है, जो कि शिकागो में NAACP के हेड हैं। NAACP यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। अमेरिका में NAACP एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1909 में इस्टेब्लिश किया गया था, अफ्रीकन अमेरिकन पर हो रहे अत्याचारों को नज़र में रखते हुए। रेफिल्ड बताता है विलियम हफ के मिसिसिपी में पॉलिटिकल कनेक्शन है। उसकी मिसिसिपी के मेयर डेले से हर रोज़ बात होती है, तो उसे विलियम हफ के पास से मदद मिल जाएगी। रेफिल्ड वहां से चला जाता है। वो कल मैमी को विलियम हफ के ऑफिस में मिलेगा। दूसरे दिन मैमी जीन को लेकर विलियम हफ के ऑफिस जाती है। विलियम हफ उसे दो लेटर दिखाता है जो उसने मिसिसिपी के गवर्नर को भेजने के लिए टाइप किए थे, ताकि उन्हें एमेट के बारे में पता चले। वो बताता है कि हम पहले से ही दो केसेस पर काम कर रहे हैं, लेमर स्मिथ और रेवरेंड ली, दोनों ही ब्लैक एक्टिविस्ट थे जिनकी पिछले हफ्ते मिसिसिपी में हत्या कर दी गई। और दोनों हत्याओं को देख अब एमेट का भी मिसिंग केस स्ट्रांग होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ की प्रेस ने अब एमेट के मिसिंग होने पर रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी थी। विलियम कहता है मैमी को शिकागो के रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना चाहिए ताकि ये केस और स्ट्रांग हो जाए। मैमी को भी उसका सुझाव ठीक लगता है। मिसिसिपी में निग्रोस के लिए हेट काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ के वाइट लोग निग्रोस को वोटिंग और एडवांसिंग से रोकना चाहते थे। मैमी एमेट की बात करते हुए काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं पूरे शिकागो में प्रेस ने एमेट टिल की मिसिंग रिपोर्ट छाप दी है। आस पड़ोस के लोग एमेट के बारे में जान काफ़ी दुखी होते हैं। पड़ोस की महिला मैमी के पास आती है। मिसिसिपी से एक रिपोर्टर ने उससे कॉल किया था।
एमेट की बॉडी तल्लाहाची रिवर से मिली है और उसके अंकल मोजेस ने उस बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया कि वो एमेट की ही बॉडी है। इतना सुनते ही मैमी की आंखें भर आई और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। एमेट की मौत की खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन हम मैमी को काफ़ी उदास बैठा देखते हैं। जीन उसके साथ ही था, तभी उनके घर रेफील्ड आता है और वो एमेट के लिए दुख जताता है। मैमी बस यही चाहती थी कि एमेट की बॉडी उसके पास भेज दी जाए, वो नहीं चाहती कि उसे मिसिसिपी में दफन किया जाए। रेफील्ड कहता है कि मिसिसिपी इस बात की मंजूरी नहीं देगा, पर मैमी अपनी जिद पर थी कि वो NAACP से बात करे, पर उसे एमेट की बॉडी चाहिए। रेफील्ड कहता है उसे इस मुद्दे को और घसीटना चाहिए ताकि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि मिसिसिपी में दो एक्टिविस्ट की मौत और अब एमेट के साथ जो हुआ, मुद्दा काफ़ी गर्म है और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ है। पर मैमी को अभी कुछ नहीं करना, वो सिर्फ एमेट के बारे में सोच रही थी। हम देखते हैं विलियम हफ ने मिसिसिपी गवर्नर से मंजूरी ले ली है और आज एमेट की बॉडी शिकागो लाई जा रही है। जीन उसके साथ था। मैमी को अब भी यकीन नहीं हो रहा उसके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। मैमी की माँ अलमा काफ़ी दुखी है क्योंकि एमेट को मिसिसिपी जाने देने के लिए उसने ही मैमी से कहा था, पर उसमें अलमा की कोई गलती नहीं। यहाँ स्टेशन पर हम मैमी को देखते हैं। ट्रेन आकर रुकी और ट्रेन से ताबूत उतारा गया जिसमें एमेट की बॉडी थी। मैमी की आंखें भर आई और वो जोर जोर से चीखने लगी क्योंकि मैमी ने उसे 14 सालों तक काफ़ी प्यार दिया था और उसका एक लौता बेटा। आगे हम देखते हैं हॉस्पिटल में लाश रखी हुई थी। किसी तरह वो लाश से कपड़े हटाती हैं। वो शरीर पानी में रहने से पूरी तरह से फूल गई थी। इतनी बेरहमी के साथ मारा गया था कि उसके शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे। उसके मुंह के सारे दांत तोड़ दिए गए थे। उसके गले में ब्राइब्ड वायर फंसाया गया था और उसके सर में गोली मारी गई थी। इतना टॉर्चर तो किसी नौजवान के लिए सहना मुश्किल हो, पर एमेट एक 14 साल का लड़का था। मैमी जैसे जैसे उसके शरीर पर हाथ फेरती, उसके आँख से आंसू नहीं थम रहे थे। दर्द से उसके हाथ काँप रहे थे। शायद वो एमेट से बातें करना चाहती थी, पर वो खामोश था। काफ़ी देर तक वो उसके सीने पर सर रख रोती रहती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और जीन को घर से एमेट का सूट लाने को कहती है। वो चाहती थी कि सारी दुनिया देखे कि एमेट को कितनी बेरहमी के साथ मारा गया है। वो बाहर आती है, वहाँ काफ़ी सारे रिपोर्टर्स थे जो मैमी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। वो एक फ़ोटोग्राफ़र को भीतर ले जाती है और एमेट के साथ अपनी तस्वीर लेने को कहती है ताकि सारी दुनिया सच देखे। देखते ही देखते एमेट टिल की न्यूज़ काफ़ी सुर्खियां बटोरने लगती है और काफ़ी ब्लैक लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं। हम देखते हैं एमेट का फ्यूनरल रखा गया था, वहाँ काफ़ी सारे ब्लैक फैमिलीज आई थी। मैमी ने अपने बेटे की बॉडी को ओपन रखा था ताकि हर कोई देखे जो उसने देखा और महसूस किया। वहाँ फ्यूनरल में एक भी वाइट शख्स नहीं आया था। वहाँ फ्यूनरल में एमेट की आंट लिजी भी आई थी। वो मैमी से माफ़ी मांगती है कि वो एमेट के लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उस रात वो काफ़ी डर गए थे और अब वो मिसिसिपी छोड़ शिकागो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्हें भी खतरा है। लिजी एमेट की बॉडी देख काफ़ी रोती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कोर्ट ने दो लोगों पर मर्डर चार्जेस लगाए थे, रॉय ब्रायंट और उसका दोस्त JW मिलाम। पर मैमी खुश नहीं थी क्योंकि पुलिस ने कैरोलिन पर कोई चार्जेस नहीं लगाए थे जो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। रेफील्ड बताता है कि वाइट लोगों पर मिसिसिपी में चार्जेस लगाना इतना आसान नहीं है। कोर्ट ने दो वाइट लोगों पर चार्जेस लगाए, ये बड़ी बात है। रेफील्ड बताता है शायद कोर्ट उन पर सिर्फ किडनैपिंग चार्जेस लगाकर छोड़ दे क्योंकि उन्हें मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा। पर मैमी ने एमेट की बॉडी दूसरे दिन ही देखी थी और इस दुनिया में अपने बेटे के लिए माँ से बड़ी गवाह कोई नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं मैमी जीन से बता रही है उसे मिसिसिपी ट्रायल के लिए जाना है। जीन भी उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ उसका रहना सेफ नहीं होगा, पर मैमी उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि जीन उसके साथ रिलेशन में है पर उन्होंने शादी नहीं की और उनके रिश्ते को लेकर वहाँ कई सवाल उठाए जा सकते हैं जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो नहीं चाहती कि कोर्ट में उसके और जीन के रिश्ते को लेकर सवाल किए जाए। जीन उसकी बात समझ जाता है, पर मैमी के पेरेंट्स उसे नहीं जाने देना चाहते क्योंकि मिसिसिपी में उसे काफ़ी खतरा है। पर मैमी को एमेट को इंसाफ दिलाने के लिए जाना ही होगा, वो जिद पर थी। वो बताती है NAACP उसे सिक्योरिटी दे रहा है और वो जहाँ रुकने वाली है उस जगह का नाम माउंट बायो है जो बिल्कुल सेफ है। उसके पिता उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन मैमी माउंट बायो पहुँच जाती है।
एक ऐसा टाउन जहां सिर्फ ब्लैक्स ही रहते हैं, इसलिए उसे यहां कोई खतरा नहीं। जो उसे लेने आया था उसका नाम मेडगर है, जो ट्रायल तक उसके साथ रहेगा। मेडगर एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है। वो मैमी के लॉस पर अपना दुख व्यक्त करता है और यकीन दिलाता है कि वो आखिरी सांस तक मैमी को इंसाफ दिलाने में फाइट करेगा। वो उसे डॉक्टर हॉवर्ड के घर ले जाता है। वहाँ काफ़ी ब्लैक प्रेस रिपोर्टर काम कर रहे थे और वो ट्रायल तक यहीं काम करेंगे। वो भी गवाहों को तलाश कर रहे हैं जो उन दोनों वाइट के अगेंस्ट गवाही दे सके, क्योंकि वहाँ वाइट लोगों से लोग काफ़ी डरते हैं। वहाँ मेडगर मैमी को अपने बेटे और अपनी वाइफ मिरली से मिलवाता है। वहाँ वो डॉक्टर हॉवर्ड से मिलती है, जो ब्लैक रीजनल काउंसिल का हेड है। हॉवर्ड को मैमी की दिलेरी काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि इतनी बड़ी मुहिम छेड़ना एक अकेली महिला के बस का नहीं था। मैमी बताती है कि शिकागो में उसकी एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, पर अब सब खत्म होता नजर आ रहा है। हॉवर्ड पूछता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद क्या वो NAACP के लिए काम करेगी या यहीं रहकर रीजनल काउंसिल के साथ काम करेगी। मैमी बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या करेगी, वो बस यहाँ एमिट को इंसाफ दिलाने आई है। हॉवर्ड बताता है वहाँ कोर्ट में कल सो कॉल्ड जज बैठेगा, जो कि एक वाइट है, और 12 वाइट जरूर बैठेंगे। हॉवर्ड बस उसे ये यकीन दिला रहा था कि एक वर्डिक्ट आने पर उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें आगे भी निग्रोस के हक के लिए फाइट करना है। दूसरे दिन ट्रायल था। कोर्ट के बाहर काफ़ी रिपोर्टर्स थे जो मैमी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। मैमी रुकती है, पर एक बच्चा नकली गन लेकर आया था। उसकी आवाज़ सुन डर के वो भीतर चले जाते हैं। इस तरह वहाँ उनका मजाक बनाया जा रहा था। वहीं कोर्ट के बाहर बैठा हुआ एक लड़का मैमी के लिए काफ़ी बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि उसके बेटे की उम्र का होगा। कोर्ट के भीतर जाने से पहले एक वाइट शख्स उनकी तलाशी लेता है। उनकी बेइज्जती करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। सभी वाइट्स भड़के हुए थे, क्योंकि मिसिसिपी में पहली बार किसी वाइट के अगेंस्ट ट्रायल कंडक्ट किया गया था। कोर्ट रूम वाइट लोगों से भरा हुआ था। वहाँ एक शख्स आता है। वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ 8 सीट्स मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हारे रिपोर्टर्स के लिए, बाकी ब्लैक जूरियर खड़े रहेंगे। ये किस तरह की न्याय व्यवस्था थी जहाँ उन्हें समान अधिकार नहीं। मैमी ने प्रोसिक्यूशन टीम से फ़ोन पर सिर्फ एक बार बात की थी, जो कि उसके पक्ष में बात करेगा, एक तरह से लॉयर कह लीजिए, वो भी एक वाइट था। मैमी उसे देख अपना हाथ आगे करती है, पर वो उससे हाथ नहीं मिलाता। घुमा फिरा कर सब वही लोग थे। वहाँ कोर्ट में कैरोलिन और रॉय ब्रायंट भी आया था। उनके साथ उनका दोस्त JW मिलाम भी था। कोर्ट में मैमी का लॉयर बताता है कि उनके पास गवाह है, पर उन्हें उसे पेश करने के लिए वक्त चाहिए। कोर्ट उसे कल तक का वक्त देती है और कोर्ट डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद मेडगर मैमी को ब्रांड शॉप पर ले जाता है, जो मनी में था। ये वही शॉप है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, पर अब वो शॉप काफ़ी दिनों से बंद थी। वो शॉप के भीतर देखती है कि कैसे एमिट भीतर गया था और वहाँ क्या हुआ होगा। एक माँ की नज़र हर एक दृश्य को विजुअलाइज करने लगी। उसकी आंखें भर गई, क्योंकि मैमी से बेहतर एमिट को कोई नहीं जानता था। वहाँ से वो एमिट के अंकल के फार्म पर आती है। वहाँ उसके अंकल का बेटा था। वो एमिट का लिखा हुआ लेटर देता है, जो कि मैमी को उसने पोस्ट नहीं किया था। मॉरिस मैमी को देख रोने लगता है कि वो एमिट के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैमी उसे यकीन दिलाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भी उसके बेटे की तरह ही था। वो देखती है उनके घर में एक शॉर्ट गन है। वो एमिट के अंकल मोजेस से मिलती है। वो उससे पूछती है अगर उसके घर में शॉर्ट गन थी तो उसने एमिट को बचाया क्यों नहीं। मोजेस बताता है उसने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें रोकने की, पर वो नहीं रोक पाया। अगर वो उन पे गन पॉइंट करता तो वो उसके पूरे परिवार को मार देते। वो मजबूर था, पर वो कोर्ट में गवाही देने को तैयार है, और ट्रायल के बाद वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाएगा। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। रात मेडगर अपने दो दोस्तों के साथ उसी फार्म पर जाता है जहाँ एमिट की हत्या की गई थी। यहाँ वो उसी लड़के को तलाश कर रहे हैं जिसने उस दिन सुबह एमिट की लाश को गाड़ी में रखते हुए देखा था। वो लड़का वहाँ से निकलकर भागने लगता है। मेडगर उसे पकड़ लेता है और वो कल कोर्ट में उसे पेश करेंगे। वो लड़का कोर्ट में टेस्टिफाई करने को तैयार था। मेडगर कहता है वो उसके परिवार को सिक्योरिटी देगा। वो मान जाता है। कोर्ट में जाने से पहले वो लड़का शर्ट की टाई लगा रहा था। मैमी उसकी टाई लगाने में मदद करती है, क्योंकि वो कोर्ट में एमिट के लिए टेस्टिफाई कर रहा था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। दूसरे दिन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। पहले मोजेस बयान देता है जब एमिट को वो घर से उठा ले गए थे। दोनों की पहचान करता है। उसके बाद वो लड़का बयान देता है
कि उसने उस रात फार्म में चीखें सुनी थी और सुबह गाड़ी में लाश रखते हुए देखा था। टेस्टिफाई करते वक्त उस लड़के की आंखों में एक नमी थी। बयान देने के बाद वो मैमी की तरफ देखता है। उसे मैमी के लिए काफ़ी दुख होता है। जिस पुलिस को एमिट की बॉडी मिली थी वो कहता है कि वो एमिट की बॉडी नहीं थी, वो ऑफिसर झूठ कह रहा था क्योंकि वो भी एक वाइट था। उसके बाद मैमी को बुलाया जाता है। मैमी बताती है उसने अपने बेटे को छूकर देखा है, वो उसे आंख बंद कर भी पहचान सकती है। वहाँ मैमी के साथ काफ़ी पर्सनल सवाल किए जाते हैं जो कि ज़रूरत नहीं थे। एमिट की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, जो $400 की दो पॉलिसी थी, एक की बेनिफिशियरी मैमी थी और दूसरी उसकी माँ। इन सवालों को पूछ बस वक्त ज़ाया किया जा रहा था। मैमी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उस दिन कोर्ट डिसमिस कर दिया जाता है। दूसरे दिन आखिरी पेशी कैरोलिन की होती है जिसके बाद वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। वहाँ कोर्ट में कैरोलिन बताती है कि एमिट ने उस दिन उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसका रेप करने की कोशिश की। इतना सुन मैमी कोर्ट से बाहर आ जाती है। वो अपने बेटे के लिए ऐसी बातें नहीं सुन सकती थी। अभी वर्डिक्ट आना बाकी था पर वो अब यहाँ और नहीं रुकना चाहती, क्योंकि ऐसी न्याय व्यवस्था किसी काम की नहीं जहाँ सिर्फ एक तरफा सुनवाई हो। कुछ देर में जज फैसला सुनाता है और रॉय ब्रायंट और उसके दोस्त को फ्री कर देते हैं। यहाँ मैमी को इंसाफ तो नहीं मिला पर उसने अपनी हिम्मत और साहस से सबका दिल जीत लिया था और लोगों के दिलों में एक जगह बना ली थी। जब वो माउंट बायो से वापस जा रही थी तो स्ट्रीट में जितने भी ब्लैक लोग थे सभी मैमी का तालियों से स्वागत कर रहे थे। आगे हम देखते हैं मैमी ने NAACP ज्वाइन कर लिया था। वो स्टेज पर स्पीच दे रही है कि उन्हें यहीं नहीं रुकना है, उन्हें अब इस मुहिम को दूर तक ले जाना है। जब तक हर एक ब्लैक को इंसाफ नहीं मिल जाता है, वो सारा ग्राउंड तालियों के शोर से गूंज उठता है। रात वो अपने घर आती है, हर तरफ खामोशी थी। वो अपने कमरे में जाकर एमिट को मिस करने लगती है। उसके बाद वो एमिट के कमरे में जाती है। उसे एमिट के साथ बिताए हुए वो पुराने दिन याद आने लगते हैं और चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैमी और जीन ने 1957 में शादी कर ली और वो दोनों साल 2000 तक साथ थे। साल 2000 में जीन की डेथ हो गई। मैमी की डेथ 2003 में हुई। मेडगर एवर्स सिविल राइट मूवमेंट का हीरोइक लीडर बन गए। एमिट टिल के ट्रायल से ठीक 8 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई, ठीक उनके घर के सामने और उनकी पत्नी और बच्चों के आंखों के सामने। साल 2022 29 मार्च को एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट बनाया गया, ठीक एमिट टिल के मर्डर से 67 साल बाद। मैमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को एजुकेट करने में दे दी और उन्होंने अपने सिविल राइट्स का काम जारी रखा। ये फिल्म मैमी टिल की याद में बनाई गई है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्लैक लोगों का हक दिलाने में गुजार दिया। कैरोलिन ब्रायंट को एमिट टिल के मर्डर के लिए कभी भी प्रोसिक्यूशन पर नहीं बुलाया गया। ट्रायल से ठीक 1 साल बाद रॉय ब्रायंट और JW मिलाम ने लुक मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल किए कि उन्होंने ही एमिट टिल की हत्या की थी। उसके लिए उन्हें $4,000 मिले और हमेशा के लिए उन्हें फ्री कर दिया। तो ये इतिहास था अमेरिका की खोखली समृद्धि का। और ऐसे एक नहीं हजारों इंसिडेंट्स हैं जो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनने का दावा करता है, असल में वो है नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।